इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं के जितने भी पेपर हुए हैं, जिनमें चाहे वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कराया हो या अधीनस्थ बोर्ड ने कराया हो या अन्य किसी भी बोर्ड के द्वारा कोई पेपर हुआ है, ज़्यादातर पेपर में पेपर आउट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और उन्हीं पेपर आउट की घटनाओं में विद्यार्थी परिषद लगातार संघर्षरत है। शुरू से ही जब भी पेपर आउट हुए हैं, विद्यार्थी परिषद ने, कार्यकर्ताओं ने हमेशा अपना अग्रणी भूमिका को निभाते हुए अपना श्रेष्ठ देने का कार्य किया है। कुछ बात यदि हम करें कुछ चीज़ों की, तो अभी हाल ही के दिनों में परसों हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ और उस लाठी चार्ज के कारण हमारे कई कार्यकर्ताओं की चोट आई, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बावजूद उन लोगों ने जेसी भेजने का निर्णय लिया। दुख इस बात का है कि रीट के पेपर में शामिल लोग आज महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी हमारे आदर्श हैं, देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को याद करते हुए उनके नाम पर बनाई गई राजीव गांधी स्टडी सर्किल का उल्लेख मैं आप लोगों के बीच में करना चाहता हूं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल 2004 में बनाई गई, सोनिया गांधी जी के आदेश पर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसको बनाया। इसको बनाने के साथ साथ इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर वो खुद रहे। इसका उद्देश्य था प्रोफेसर्स और छात्रों के बीच में, शिक्षाविदों के बीच में कार्य करना। इन्होंने हजारों प्रोफेसर्स को देश भर से इसमें जोड़ रखा है, जिनकी लिस्ट मैं आपको अभी उपलब्ध कराऊंगा। दुख इस बात का है कि जिस स्वर्गीय प्रधानमंत्री के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर करोड़ों का गमन, करोड़ों का फंड इस संस्था को कहां से मिलता है? कौन लोग हैं जो इस संस्था को फंड देते हैं? कौन लोग इस संस्था को चलाने का कार्य करते हैं? ये सब की सुइयां तब घिर जाती हैं जब रीट का पेपर आउट की कड़ियां हम जोड़कर देखते हैं। दुख इस बात का है कि रीट के जितने भी रीजनल कोऑर्डिनेटर इनके द्वारा बनाए गए हैं, उन कोऑर्डिनेटरों को बनाने की एकमात्र योग्यता यदि इन्होंने रखी है तो वो ये रखी है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल का प्रोफेसर या टीचर होना चाहिए। ऐसा क्यों रखा है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। ये लोग शुरू में उठते बैठते हैं, ये लोग हर महीने हर दिन एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और ये लोग एक बहुत बड़ा खेल इस राजस्थान के बेरोजगार छात्रों के साथ में खेल रहे हैं। इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को 2005 में जब बनाया तो उस समय इसके नेशनल को कोऑर्डिनेटर का काम सुभाष गर्ग जी को सौंपा गया, जो कि साइट पे है। नेशनल को कोऑर्डिनेटर के साथ में राजस्थान के प्रत्येक चीज का देखने का काम सुभाष गर्ग जी करते हैं और इशारे किनके, अशोक गहलोत जी के इशारे पर। इसमें मुख्य भूमिका सुभाष गर्ग जी की नहीं है, इसमें मुख्य भूमिका राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की है, जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने छात्रों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसकी यदि हम आगे की बात करेंगे तो इसकी संदिग्धता यहां पर और बढ़ जाती है कि इनका स्टेट कोऑर्डिनेटर का, जो को कोऑर्डिनेटर का काम देखने वाले ध्यान सिंह जी गोठवाल, रीट के जयपुर जिले के जयपुर का काम का ये देख रहे हैं और इनके रीजन जो बने हुए हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर जो राजीव गांधी सेवा गांधी स्टडी सर्किल के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्हीं को इन्होंने उठाकर रीट के रीजनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। जैसे हम देखते हैं कि अजमेर के रीजनल कोऑर्डिनेटर जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया है अजमेर का रीट का। जो जयपुर रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर राजीव गांधी स्टडी सर्किल के हैं, उनको प्रदीप पारासर जी, उनको जयपुर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया है। जो व्यक्ति बीकानेर का राजीव गांधी स्टडी सर्किल को देख रहा है, उसको इन्होंने डॉक्टर एन के व्यास को बीकानेर के रीट का स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया है, रीजनल कोऑर्डिनेटर।
जो व्यक्ति कोटा रीजन का काम देख रहा है, रघुराज परिहार जो 21वें नंबर पर है, इन्होंने क्या कर रखा है कि इसमें नॉमिनेट मेंबर होते हैं नेशनल टीम के, जो गहलोत साहब खुद इसको नॉमिनेट करते हैं विद काइंड सेक्शन ऑफ चेयरमैन राजीव गांधी स्टडी सर्कल रेस्पेक्टेड श्री अशोक गहलोत जी, ए एडवाइजरी कमेटी फॉर राजस्थान राजीव गांधी स्टडी सर्कल इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉलोइंग आर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द कमेटी। इस कमेटी के तीन लोग प्रोफेसर डीपी जारोली, डॉक्टर रघुराज परिहार 21वें नंबर पर, डॉक्टर सुभाष यादव 27वें नंबर पर, ये लोग इसमें मिले हुए हैं। अब सक्की सुई फिर अपन आगे बढ़ाते हैं तो जब देखते हैं कि भरतपुर रीजन के कोऑर्डिनेटर को इन्होंने, रीजनल कोऑर्डिनेटर को देवेंद्र परमार को रीट के धौलपुर जिले का कोऑर्डिनेटर बना दिया, मतलब आसपास में ट्रांसफर किया, ज्यादा दूर नहीं भेजा। जोधपुर रीजन के कोऑर्डिनेटर को इन्होंने जगना राम नागौरा जी को रीट के जोधपुर रीजन का कोऑर्डिनेटर बना दिया। उदयपुर की बात यदि हम करें तो नवीन चिश्ती जी जो हैं वो रीट के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट का काम देखते हैं उनको बना दिया। अब दुख इस बात का है कि क्या इनकी एकमात्र योग्यता 80% ये थी कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल में काम करने वाले व्यक्ति को ही हम रीट का कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, को कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, और ये प्राइवेट लोग भी हैं इनमें कई लोग। आखिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि राजीव गांधी स्टडी सर्कल के व्यक्तियों को उठाकर रीट के रीजनल और डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए। दुख इस बात का होता है कि ये काम क्या करते हैं, इसमें कौन से लोग काम कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है, और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो ये कमेटी है इसको फंडिंग कहां से होती है। और मैं कुछ फोटोज आप लोगों के सामने उजागर करूंगा, इन फोटोज में आपको स्पष्ट रूप से गहलोत साहब को सुभाष गर्ग जी, जारोली जी को, माननीय रामकृपाल मीना जी को, और इन लोगों को देखिए, इनके देखिए फैमिली प्रोग्राम में ये लोग कैसे कैसे जाते हैं, ये देखिए, ये देखिए बधाई देने के लिए इनके कमरे पे, ये देखिए नीचे देखो गोद में उठा रखा है माननीय सुभाष गर्ग जी को, ये देखिए। इसमें सुभाष गर्ग जी की गलती नहीं है, सुभाष गर्ग जी को कौन चला रहा है, इस राजस्थान के मुखिया माननीय गहलोत साहब इसको क्यों बनाए। आप लोग एक बार उनसे ये क्वेश्चन पूछना कि इस संस्था को बनाने का उद्देश्य क्या था, इसको कौन लोग चला रहे हैं, क्या इसका काम है, क्या रीट के कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर के साथ में और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कि ये लोग चलाते हैं। अब इसमें बात आती है इन लोगों के नाम की, मैंने कल भी बताया था तो कईयों ने कहा कि विद्यार्थी परिषद तो आप पर आरोप लगा रही है, अरे आरोप नहीं है। जिन बने सिंह जी की बात करें उन्होंने क्या, देखिए पब्लिक अगेंस्ट करप्शन सोसाइटी में भरतपुर में चार चार थानों में इनके खिलाफ FIR दर्ज हैं, जो कि इनके स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं। जिन बने सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, जो अपने आप को इन्होंने सुरक्षित रखने के लिए बचा रखे हैं, वो व्यक्ति के खिलाफ चार चार थानों में इनके खिलाफ FIR दर्ज हैं और ये रिपोर्ट हैं। प्रदेश समन्वयक BNSS के हैं, ये देखिए NSS को कोऑर्डिनेटर को हटाने की मांग, CAM वे मंत्री को ज्ञापन भरतपुर के छात्रों ने दिया है, 4 लाख रुपए मांगे तो घर पर तोड़ फोड़ करने का आरोप, स्थानांतरण कराने के लिए राशि दी है। ये क्या है, ये NSS के प्रदेश समन्वयक डॉक्टर बने सिंह में रूपबा सहायक अभियंता के भरतपुर के, ये मेरे नहीं है, ये स्क्रीनशॉट उन पे न्यूज़पेपर्स के, लेन देन के मामले में पथरा पुलिस में मामला दर्ज, लेन देन के मामले में 5-7 लोगों में, तो ये कहाँ से है इनके, ये फर्स्ट इंडिया का है, कॉलेज शिक्षा के अधिकारी पर गिर सकती है गाज, NSS से जुड़े हैं कॉलेज शिक्षा अधिकारी। और दूसरी बात जो आती है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदीप पारासर जी की वाइफ सिंडिकेट की सदस्य है, जो कि प्राइवेट में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाती हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने वाली टीचर को इन लोगों ने कहाँ की जिम्मेदारी दी, ये सक्की सुइयां कहाँ गिरती हैं, कहाँ जाती हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इस पर भी थोड़ा मंथन करने की आवश्यकता है। इसके बाद में अगली कड़ी एक आती है कि हम लोग जब देखते हैं कि हम साधारणतः बच्चों को बार बार में ये कर दिया जाता है कि लाठी चार्ज, कभी पुलिस के द्वारा, कभी किसके द्वारा, हमारी मांग है कि सोनिया गांधी जी द्वारा अभिप्रेरित संगठन राजीव गांधी स्टडी सर्किल
जिन जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके चहेते मंत्री माननीय सुभाष गर्ग जी के माध्यम से इस्तेमाल किया गया है। स्वयं सोनिया गांधी जी और अशोक गहलोत इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहिए, ताकि प्रदेश के युवा बेरोजगार जो आज जिनकी वजह से 26 लाख रीट के और अन्य अन्य जो लोगों पर जिनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है वो लाखों छात्र हैं। अलवर में दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि इन्होंने सेंटर अलॉट कैसे किए, जो रीट ने डिवार कॉलेज कर रखे हैं उनको इन्होंने सेंटर अलॉट किए। अलवर में दो सरकारी कॉलेज होते हुए भी इन्होंने क्या गेम खेला, दूर दराज के ऐसे प्राइवेट कॉलेज में रीट का केंद्र बनाया जो मत्स्य यूनिवर्सिटी से ब्लैकलिस्टेड है। ब्लैकलिस्टेड संस्था को ये दूर भेज रहे हैं लेकिन सरकारी कॉलेज में सेंटर नहीं देंगे। इसका नाम है कमला देवी कॉलेज डीकवाल, इसे मत्स्य यूनिवर्सिटी ने पहले प्रतिबंधित किया है। दूसरा शिव शक्ति स्कूल जयपुर, आरपीएससी ने इसको रीट ने आरपीएससी ने इसके खिलाफ में ब्लैकलिस्टेड तक साबित हुए और इनको सेंटर बना दिया। और सेंटर बनाने के बाद भी रामकृपाल मीणा छात्रों को धमकी देता है कि यदि मेरी खिलाफ आवाज उठाई तो मौत के घाट उतार दी जाओगे। ये प्रश्न कोई साधारण छात्र पूछने की हिम्मत नहीं छुड़ा सकता। ये विद्यार्थी परिषद के मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग छात्रों को धमकियां दे सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका कुकृत आपके सामने और भी हमारे पास सबूत हैं। सीधा आरोप यह है कि प्रतिबंधित संस्थाओं को रीट का सेंटर क्यों बनाया गया जब सरकारी संस्थाएं निजी संस्था सरकारी कॉलेज थे, निजी संस्थाओं को किसके सहने पर सेंटर दिए गए, कौन व्यक्ति है जो डीलिंग कर रहा है, जांच सीबीआई करेगी, कौन व्यक्ति है जो पैसे लेकर किसको माध्यम से किसको पहुंचा रहा है, जांच सीबीआई करेगी, मैं और कोई और इसको डिसाइड करने वाला नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो अपने आप शामिल हो जाएगा कि कौन क्या है कौन क्या है। जारौली जी से पूछा जाएगा कि सेंटर बनाने का काम उन्होंने खुद किया या किसी ने करवाया, तो नाम भी आएगा। अब हमारी विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन और शिक्षा का संगठन होने के नाते सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, पहली मांग। दूसरी मांग है जो सरकारी अधिकारी मंत्री मुख्यमंत्री षड्यंत्र में शामिल हैं वो नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। तीसरी मांग, हमारी पेपर लीक के लेकर जल्द से जल्द सरकार कानून लाए, जो माफिया सरकार के साथ पेपर लीक में संलिप्त हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, अपराधियों को बचाने में शामिल जो साजिश लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनसे इस परीक्षा की पूरी वसूली की जाए और जिन लोगों पर आरोप साबित होते हैं उनके जमीनों की कुर्की की जाए और वो पैसा राजकोष सरकारी राजकोष में जमा किया जाए और छात्रों का जो पैसा है जो पैसा लगा है वो वापस उनसे वो पैसी राशि वापस दी जाए। विद्यार्थी परिषद गहलोत सरकार के खिलाफ अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। पेपर गिरोह को उजागर करने हेतु पूरे राजस्थान में हम जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। तथ्यों के आधार पर हम लोग रिपोर्ट तैयार करके PIL फाइल करेंगे जो कि कोर्ट में हम लोग देंगे। पूरे राजस्थान में जो ये घोटाला हुआ है इसके नाम पर राज्यपाल महोदय के नाम पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान और पोस्टकार्ड अभियान चलाएंगे। अगर हमारी मांगनी गई तो राज्यव्यापी प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगा खर्च धन आरोपियों से वसूला जाए और छात्रों को जो छात्र के पैसे लिए उन्हें वापस दिया जाए। साथियों, आज यदि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, कौन बोलेगा। मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई जांच से साबित होगा। कुछ लोग यहाँ भी SOG के द्वारा इन चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई हो और माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं वो गांधीवादी हैं या नहीं है इस चीज़ में साबित हो जाएगा कि इस पूरे के पूरे राजीव गांधी स्टडी सर्कल को चलाने के पीछे किसका दिमाग है, किसका षड्यंत्र है, कौन लोग हैं जो इन्हीं लोगों को 80% लोगों को इन्होंने रीट की परीक्षाओं में कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर लगाया। कई मामले और सामने आएंगे, तथ्य और भी पेश होंगे, लेकिन इन छात्रों की परवाह को ध्यान में रखते हुए
सरकार तुरंत निर्णय ले और नैतिकता के नाते मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दें। विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के लिए संघर्ष करता रहेगा, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ हैं आप लोग पूछ सकते हैं। आपने कहा कि सरकार से भी जांच होनी चाहिए, होना चाहिए। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में असुविधा है, इन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी, वो लोग कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, उनकी क्या गलती? जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन इसलिए हो जाता अगर नकल नहीं होती। तो परीक्षा को लेकर एबीवीपी की क्या राय है कि परीक्षा स्थगित होनी चाहिए? देखिए देखिए सरकार कोई भी फैसला करेगी, देखिए देखिए कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। मेरे पास कई बार न्यूज़पेपर की कटिंग, अपने जानकारों से पता चलता है कि छात्र परीक्षा के कारण सुसाइड कर रहे हैं। जिंदगी से बड़ी कोई परीक्षा नहीं होती है। जो छात्र इंटेलिजेंट है, जिस छात्र में वास्तविकता में जिसने पढ़ाई की है, उस छात्र को परीक्षा देने में काय का डर? मुझे तो नहीं लगता कि उसे कोई डर होना चाहिए, परीक्षा दोबारा भी हो सकती है। लेकिन हाँ, डर उन लोगों को है जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, डर उन लोगों को है जिन लोगों की मोटी कमाई गई है, जो सौदेबाजी करके इस राजस्थान के युवा बेरोजगार छात्र के साथ में जो झलावा कर रहे हैं, डर उन लोगों को है। ये क्या मांग है? पेपर रद्द होना चाहिए? बिल्कुल मेरी मांग नहीं, ये संपूर्ण छात्रों की मांग है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, कमिश्नरेट पर हम लोगों को पीटा गया, उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड पर भी हम लोग एक बार प्रदर्शन करने गए, वहां भी छात्रों को पीटा गया। और राजस्थान विश्वविद्यालय में मैं आपको पर्सनल फोटोज भेजूंगा, आप देखना कि किस तरीके से छात्रों की पीठों पर निशान बने हुए हैं। देखिए विद्यार्थी परिषद ने अभी ऐसा सर्वे नहीं करवाया है, आने वाले समय में हमारी इस योजना बनी है, हम लोग सर्वे भी करवाएंगे और हम गांव-गांव ढाणी जाकर जनजागरण अभियान भी चलाएंगे। लेकिन मैंने कल दो अखबारों के सर्वे देखे हैं जिनमें 87% लोगों ने यह कहा कि रीट की परीक्षा रद्द दो। सरकार अश्विन जी कह रही है हमारे पास केवल सेकंड लेवल का मामला है, फर्स्ट लेवल का तो कोई मामला ही नहीं, तो आपकी नजर में क्या फर्स्ट लेवल भी ऑफ हुआ है? देखिए राजस्थान की आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात नहीं, आप अधीनस्थ बोर्ड की बात कर लीजिए, आप आरपीएससी की बात कर लीजिए। पिछले दिनों में पहले हमें सुनने को नहीं मिलता था, कहते थे कि यार बाहर होते हैं, राजस्थान तो पाक साफ है। लेकिन आज आप बच्चे बच्चे से पूछेंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से मेहनत की गाड़ी कमाई को थड़ी चाय पर बैठने वाले लोग सेटिंग कराने में लगे हुए हैं। सोचना तो पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट कोई भी हो, विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रही है। गलत जिसने भी किया है उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो जो प्रतियोगी बिल्कुल अभी हमने तो तीन साल से देखा है कि अंधाधुंध पेपर आउट हो रहे हैं, अंधाधुंध पेपर की बिक्री हो रही है और लगातार इन सारी चीज़ों को होना तो होनी चाहिए। जिनको नियुक्ति दे दी तो उनको तो कहाँ से ये लोग करेंगे, लेकिन जिनको अभी अभी भी बाकी है, जो लोग अभी बहुत सारे लोग हैं जो वास्तविकता में अभी संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कई छात्रों की सुसाइड की घटनाएं आती हैं तो कहीं दुख तो होता है कि ये कहाँ से हो रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे। सर जिस प्रकार जो डीपी जारोली थे उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था कि मैं अपने खुद इस्तीफा दूंगा और पूरी अपनी जो अचल और चल संपत्ति है वो मैं राजस्थान सरकार को दान कर दूंगा यदि मैं इसमें लिप्त पाया जाता हूँ, और जो पेपर आउट होता है वो जिस सिक्योरिटी कंपनी को अपने ठेका देते हैं या अपने जो जिनका सुरक्षा का मुद्दा दिया जाता है तो उनकी वीडियोग्राफी में कहीं पर भी पेपर आउट के या ऐसे कोई लिंक नहीं है, तो क्या जो जिनको उनकी सुरक्षा का मामला दिया गया था वो भी इसमें लिप्त है, उनके नाम बाहर क्यों नहीं है अभी? देखिए और जो सब इंस्पेक्टर का मुद्दा था वो पेपर आउट हुए थे, उसके जो बीकानेर से बाड़मेर वाली तमाम जो मुद्दे थे अब पेपर आउट हो रहे थे, लीक हो रहे थे, उसमें इन्होंने एक तरह से मुद्दे को दबा के उनके तुरंत ट्रांसफर कर दिए, जो वीडियोग्राफी थी उसको डिलीट करवा दी इन्होंने। देखिए देखिए जिन जिन लोगों के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जारोली जी ने जो कहा है तो नैतिकता के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो अपने आप इस्तीफा, तो उनका बर्खास्त ही हो गए, अब तो इस्तीफा क्या लेना। अब तो सरकार हमने मांग रखी है कि जिन लोगों के खिलाफ दोषी हैं उनके कुर्की की जाए जमीनें, उनकी संपत्ति जब्त हो और वो सरकारी फंड में जमा हो, ये मांग भी इसीलिए रखी है। ये मांग हमारी इसीलिए है कि जो मोटा कमाई करके घर में छुपा लिए हैं उनसे वो मोटी कमाई सरकारी फंड में जानी चाहिए।
सरकार के और छात्रों के लिए लगनी चाहिए वो कमाई। राजस्थान में विपक्ष के जो नेता है वो पीठ थपथपा रहे हैं एसओ जी की, सीबीआई जांच में देरी होगी, आपका क्या तर्क है? देखिए, विद्यार्थी परिषद का मानना है कि छात्रों की समस्याएं उनको छात्रों को उठाना चाहिए, और विपक्ष पक्ष क्या कर रहा है इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा काम है छात्र सेवा और छात्र शक्ति हमारा नारा है, और हम छात्रों के लिए काम करते हैं। हम किसी संगठन या किसी के उसमें पदाधिकारी नहीं है, हम किसी संगठन से भी जुड़े हुए नहीं हैं। 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना हो गई थी, तब से लगातार अनवरत रूप से विद्यार्थी परिषद काम करता रहा है। हम किसी भी राजनीतिक संगठन के पार्ट नहीं है। नहीं, हम किसी पे सवाल ही नहीं उठा रहे, अच्छा काम किया तभी तो ये सबूत निकल रहे। एसओजी खुद मान रही है कि एक एनवलप में पेपर गायब था, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? जब एक एनवलप में पेपर नहीं था तो एफआईआर दर्ज प्रशासन ने क्यों नहीं कराई? और जब पेपर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम में पहुंच गया तो जिला प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी गई? ये मांग हमने इसमें भी शामिल की है, और ये जो लोग संलिप्त हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एसओजी के लोग जो ये चीज़ें तथ्य ला रहे हैं सामने, सरकार कई बार दबाना चाहती है, लेकिन मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि एसओजी भी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और आने वाले समय में सीबीआई की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग इसमें शामिल है और कौन इसमें शामिल नहीं है। सर, जो एसओजी की जांच रही थी उसमें रीड की जांच दो भागों में बांट दी थी, बीच में इन्होंने ब्रेक ले लिया था एक महीने का, उसके बाद इन्होंने जनवरी जांच, ये चाहे कितने भी भागों में बांट दें, जांच सीबीआई जांच होगी, अपने आप पता चल जाएगा कि किस किस के पास कौन कौन से रीट के कोऑर्डिनेटर राजीव गांधी स्टडी सर्कल के थे और वो रीट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए, अपने आप पता चल जाएगा। आपकी विद्यार्थी परिषद ने जब जब इस पे रीट के मुद्दों पे भर्तियों में धांधली पे आवाज उठाई थी, जो परसों या उससे दो दिन पहले जब कॉलेज में आपने आवाज उठाई थी तो आपके संगठन के जो विद्यार्थी थे उन पे आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उससे पहले जब आपने एक महीने पहले आवाज उठाई थी तब आपको गिरफ्तार किया था, शायद इस मार्ग पर दोनों को लाठीचार्ज हुआ था, तो मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपका विचार? मुद्दा ये है कि छात्रों को न्याय मिले, और छात्रों की लड़ाई के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, चाहे लाठीचार्ज कितना ही करा लो, हमारे हाथ पैर तोड़ दो, हमें जेल में डाल दो, हमारा संघर्ष अनवरत रूप से जारी रहेगा। रीट की कड़ियां तो जुड़ गई, लेकिन ऐसा ही भर्ती और जेएन भर्ती की कड़ियां क्यों नहीं जुड़ी हुई? जेएन भर्ती पिछली बार भी हम लोगों ने अधीनस्थ बोर्ड पे धरना दिया और पूरे दिन धरना चला, उसी का परिणाम कि रात को 7 बजे पेपर आउट का नोटिफिकेशन निकालना पड़ा अधीनस्थ बोर्ड का। पिछला एक साल पहले की यदि आप निकालेंगे तो वो सबसे ज़्यादा संघर्ष करने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया, और उसमें भी हम जेल गए, और उसके बाद भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और रही बात एसआई की, और एसआई के लिए भी हम लोगों ने कमिश्नरेट पर प्रदर्शन किया, और हम एसआई के छात्र के साथ ही नहीं अपितु लाइब्रेरी साइंस के, पटवारी के, पटवारी में भी जो घोटाला हुआ है वो, और सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग इसलिए की है कि जो जो घोटाले हुए हैं अभी तो इतने से सबूत आए हैं, सबूत और आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी तो पता चलेगा कि कौन लोग इसमें शामिल है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम कैसे आया? कल शिक्षा संकुल पे हमने राजीव गांधी स्टडी सर्कल का नाम क्यों लिया? क्योंकि क्या राजीव गांधी स्टडी सर्कल में काम करने वाले ही व्यक्ति 80% लोग रीट के को कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट के? तो कहीं ना कहीं सुई राजीव गांधी स्टडी सर्कल पर सीधी सीधी आती है कि ये लोग कौन है, इनका काम क्या यहाँ करने का? सर, जो राज्य प्रतिभा जो बोर्ड परीक्षा हुई थी 10वीं लेवल पे, 12वीं लेवल पे होती है, उसमें जो टॉप 10 के विद्यार्थी हैं वो शिक्षा संकुल जो अलवर की एक निजी स्कूल है उससे जुड़े का मामला जो कल खुलासा हुआ है, उसका जो टॉप 10 के विद्यार्थी हैं राज्य प्रतिभा खोज में, जो अलवर की संस्था जिस रीट पेपर आउट में लिख थी उसी में उसका सेंटर है, के जो अभी टॉप 10 में आए उनमें, आपका विचार? उनमें अभी मेरे को ये पूरा मामला एक बार आप बताएंगे तो अपन बात करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आप लोग?